आपने क्या रहेगी आज के लिए? सचिन इस पैनल में अब जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, आपका ट्वीट फॉर द डे क्या क्या पिक करेंगे आप? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनु जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। यहाँ पर मेट्रोपॉलिस में खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट जिस तरीके से कल के सत्र में एक मूव अनलॉक हुई है, एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम फॉर्मेशन का 60 मिनट्स पे कंफर्मेशन मिला है एंड 1700 के आसपास के कॉल राइटर्स के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश हुई थी कॉल राइटिंग जोन के ऊपर की। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा कंटिन्यूड रहना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट पोजिशनिंग। 1780 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1665 पे लगाना है एंड 1700 से लेके 1690 तक ये खरीदारी की जा सकती है। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी, यहाँ पर अदानी पोर्ट्स का डेटा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लग रहा है। इनफैक्ट पिछले चार तीन हफ्तों से इनफैक्ट एक ही पर्टिकुलर रेंज में लॉक्ड इन रहा है, 1230 से लेके 1280। एंड जिस तरीके से फिलहाल ओपनिंग हुई है प्लस अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को इसने निकाला है तो प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये हर्डल भी पार हो जाएगा। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको छोटा ही लगाना है अराउंड 1264 के आसपास का। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1285 का, बट पोजिशनली अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो 1310 तक की एक रैली बन सकती है। ओके, अदानी पोर्ट्स 1275 पे आपका लॉन्ग कॉल है। लेकिन इस बीच कोल इंडिया अपने नंबर्स के बाद एक बार देखते हैं क्या कर रहा है, और इट्स 450 लोअर लेवल से पुल बैक है यहाँ पर। सचिन, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रेड, बट कोल इंडिया को आप कैसे रीड कर रहे हैं? पिछले 5-7 सेशन की वोलेटिलिटी में 10 डे मैंने बहुत खूबसूरती से सपोर्ट के तौर पर काम किया है। आपका व्यू इस वक्त कोल इंडिया पे? वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस हूँ। इनफैक्ट सोमवार के सत्र में हमने यहाँ पर एक नेगेटिव व्यू दिया था काउंटर में एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है मुझे लग रहा है प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है कि 415 के आसपास जो इसका 20-day एक्सपेंशन मूविंग एवरेज प्लेस्ड है मुझे लग रहा है वहां तक एक चाल बन सकती है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये स्टॉक रेंज बाउंड रहना चाहिए 460 से लेके 420 इस पर्टिकुलर जोन में। तो इमीडिएट बेसिस पे तो एक ब्रेकआउट की उम्मीद नहीं होगी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंसोलिडेशन टू नेगेटिव बायस रह सकता है एंड जिस तरीके से प्लेसमेंट्स है प्रेफरेबली यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 460 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इस बीच एक बार जरा इंडसइंड बैंक का चार्ट लाइए। सचिन, इंडसइंड बैंक ने आज एक लो को रिविजिट किया। लो था 23 जनवरी का और इन दो लो के साथ पैरेलली अलाइंड है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी बैंक निफ्टी के इस प्राइस पे 45,050 पे एक स्टॉक और एक ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाने के या फिर फाइनली उस बॉटम को तोड़ने के कगार पे है। आपकी प्राइस ट्रेडिंग इंडसइंड बैंक में क्या कहती है सचिन? देखिए, यहाँ से मुझे भी लग रहा है कि डाउनसाइड थोड़ी सी लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है एंड जिस तरीके से इसने अभी तक 1440 के आसपास का एक स्विंग लो बनाया है उनका 200 डे एक्सपेंशन एवरेज भी लगभग अराउंड 1433 के आसपास प्लेस्ड है। तो काफी सारे मल्टीपल सपोर्ट जोन यहाँ पर अवेलेबल है एंड प्लस जिस तरीके से इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को भी डिफेंड किया है तो मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी सी अगर मार्केट में रिकवरी होती है तो आई थिंक इसका कंट्रीब्यूशन भी शानदार होना चाहिए। सो 1480 का एक मेजर हर्डल है बट जिस तरीके से पोजिशनिंग है मुझे लग रहा है 1435 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स बनाने में कोई हर्ज नहीं है ऑन अ डिक्लाइन एंड रिव्यू जोन हो सकता है लगभग अराउंड 1470 या 1480 का फॉर द डे। तो यहाँ पर शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं करने हैं, मल्टीपल सपोर्ट जोन है जहां से एक रिबाउंड हो सकता है। ओके, चलिए अब चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, मुझे लगा यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन रखना है एंड ट्रेड्स स्ट्रिक्टली इंट्राडे तक ही सीमित रखने हैं। जिस तरीके से मार्केट की प्लेसमेंट है मुझे लगा एक रिलीफ रैली बन सकती है 21,680 के आसपास, मुझे लगा वापस एक मौका मिलेगा शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने के लिए। सो जिस तरीके से फिलहाल ये बेस से अपमूव ट्रिगर हो रही है मुझे लग रहा है वहां पर बैंक्स का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा क्रिटिकल होगा एंड वहां पर कैनरा बैंक का अभी तक का जो परफॉर्मेंस है
वो थोड़ा सा मुझे स्टेबल एंड रिलायबल लग रहा है। तो जिस तरीके से 552 के आसपास इसके फ्यूचर्स चल रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी है 548 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 560-564 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है आपको कैनरा बैंक में, एंड बिकवाली करनी है मुझे लग रहा है सिप्ला के काउंटर में। अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को इसने काफी कॉन्फिडेंटली तोड़ा है, एंड काफी समय के बाद अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की यहाँ पर चाल बन रही है। तो अगर यहाँ पर भी एक अच्छा पुल बैक बन जाता है 1432 के आसपास, इसके फ्यूचर फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं, तो 1435 के आसपास मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 1444 पे लगाना है, एंड ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 1410 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। तो बिकवाली करनी है सिप्ला में। ओके, सिप्ला हमें बिकवाली करनी है इस समय। ये सचिन के पिक्स हो लेंगे। और नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ी रिकवरी मार्केट में इस समय, सस्टेन करेगी? ये आजकल मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट्स ट्रैप हुए हैं, बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स ट्रैप हुए हैं। और एक आज एक बार फिर 200 डे मूविंग एवरेज इसने सपोर्ट कर लिया। एक चीज़ क्लियर हो गई है, 200 डे मूविंग एवरेज पे कोई ना कोई बायर है, कोई ना कोई बायर है बैंक निफ्टी में, उसको टूटने नहीं दे रहा है। चाहे दो कुछ भी तीन हो दिनों जाए, से ऐसा हम लोग देख रहे तीन हैं। चार दिन से हो रहा है, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से रिवर्सल आ रहा है। तो आज वो वाली बात सही होनी चाहिए, जब हम गिर रहे थे तो यूएस ऊपर था, आज यूएस गिरा तो हमें ऊपर होना हाँ, चाहिए। लेकिन डे लो नहीं टूटना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखो। एक्चुअली डे लो नहीं टूटना चाहिए, और देखते हैं कैसा रहेगा, क्योंकि अभी भी संभलने की कोशिश तो कर रहा है मार्केट। वी मिड कैप पे भी संभलने की कोशिश हुई, लेकिन सब कुछ अभी 1-1.5 घंटे का ही खेल है। थोड़ी और देर रुकते हैं, तब देखें क्या होगा। चलिए, आपके सवाल जवाब लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।